गुरु जी राधे राधे जी। हमारे घर में गाय माता है, तो गाय माता का बच्चा होने के बाद में क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, इसलिए पूछ। क्या करेंगे मतलब? जब गैया बूढ़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना है? अभी कितने हैं? अभी तो पहला बच्चा दिया है। अभी पहले ही हुआ है, और बुढ़ापे की और ज्यादा होंगे तब की चिंता सताने लगी। हम लोग को यहाँ मुस्लिम, हम कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता से आए हैं आपका पास। हम लोग पहले भी गए हुए हैं, मेरा लड़का आपके पास से दीक्षा लिया हुआ है, तो हम लोग कलकत्ते में रहते हैं। गाय की सेवा करने वाले को गाय स्वयं सामर्थ्यवान बना देती है कि आप उनके बच्चों की, उनके बछड़ों की, बच्चियों की खूब सेवा कर पाए। गाय की सेवा कीजिए और विश्वास रखिए भगवान पर। जो गाय की सेवा करते हैं गोविंद उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ठीक है। जय श्री मन नारायण गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हम बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ ना जितना गाय का बच्चा होता है बड़ा होने के बाद मुस्लिम को दे देते हैं, मुस्लिम लोग ले जाते हैं, वो लोग काट के खा जाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी रखे हैं, तो क्या करेंगे गुरुजी? ज़्यादा तो रखने का जगह नहीं है। हम कह तो रहे हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना रखो और उतनी सेवा करते रहो। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इतना सामर्थ्यवान धन धान्य से भगवान भरें कि आप खूब गौ माता की, गौवंश की सेवा करें। नंदी जी हो गए, अगर बछिया होने लगेंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा होगा? कोई बात नहीं, आपसे जितना हो पाए आप करो, जिनको जरूरत है उनको दे दो। हम तो दान करने चाहते हैं गुरु जी। हाँ, तो जिनको जरूरत है उनको देते रहा करो। आस पास कोई गौशाला होंगी उन गौशाला में भेजते रहा करो। गौशाला आसपास नहीं है, तो फिर आप क्षेत्र वालों को पैसे जोड़ करके गौशाला ऐसी बनानी चाहिए जिनमें नंदियों की सेवा होती रहे और गौवंश सुरक्षित रहे, गाय की, नंदी की। पहले घर घर गाय सेवा होती थी तो ये समस्याएं थी नहीं। आप जितनी आप कर सको उतनी करना। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा इनको दे दो, ये मैया वहां इस तरफ से चल के इस तरफ से आई है, पीछे वाली मैया, पीली मैया के बगल में। राधे राधे गुरुजी। जी, खाना बनाते हैं जैसे आप बोलते हैं कि पहला रोटी गाय को देना चाहिए, तो क्या ये सही है? तो आपके हिसाब से क्या सही है? तो हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं सबकी पहला रोटी नहीं, पहला रोटी गाय को नहीं, पहला रोटी कुत्ते को खिलाया जाता है। पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। नहीं तो बोलते हैं, हमारी सास बोलती है ना कि पहला रोटी जैसे कि घर के बड़ बुजुर्ग है वही खाएं, क्या सही? तो फिर इसलिए कुत्तों की तरह भौंकेंगे फिर वो खाएंगे। तो गाय की रोटी गाय को मिले, कुत्ते की रोटी कुत्ते को मिले। गुरु जी जब से आपसे जुड़ी है तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव है, पहले हम भी मुर्गा मछली खाते थे, अब सब छोड़ दिए हैं गुरु जी। अच्छा, खुश रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, प्रसन्न रहिए। थोड़ा मेरे पति से बात कर लीजिए गुरु जी प्लीज, हमारे आज गाड़ी है जाना है। तो आप दोनों में से एक कर लो, सबको मौका मिले।